आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है क्रेटा 2023 फेसलिफ्ट के बारे में, क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियोस देख रखे हैं और साथ ही में आप जो हम अपडेट्स देते हैं आपको कि ये इन्फॉर्मेशन के अंदर ये चेंज हुआ है, तो आज का नया वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो वो वीडियोस भी आप लोग देखते रहते हो। तो इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें अपडेटेड, मतलब आप इन्फॉर्मेशन के मामले में अपडेटेड रहते हो, लेकिन उसके बावजूद हमारी ओर से हमें आपको रेगुलरली वीडियोस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसका रीज़न सिंपल सा यही है कि अगर हम बीच में दो या तीन इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं तो उसके बाद जो भी वीडियो प्रोवाइड करना पड़े हमें वहाँ पे कुछ हो सकता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही अपडेट्स आ गए हो, और इस वजह से फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ये फर्जी वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम आपको फ्रीक्वेंटली जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर अपडेट आता है तो आपको नया वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। आज के वीडियो में भी सेम केस होने वाला है, कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स आए निकल कर के इन्फॉर्मेशन के अंदर, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले। 4 मई का ही वीडियो होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि स्किप मत करना, बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। बाकी यार सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे एज यूजुअल, जो कि होगा एक्सटीरियर, गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर क्या अपडेट्स आएंगे जब भी ये फेसलिफ्ट के साथ में इंडिया के अंदर आएगी तब। तो वेल सबसे पहले फर्स्ट मतलब कि फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो आपको ट्यूसॉ से इंस्पायर्ड ग्रिल देखने को मिलेगी, उसी के अंदर मर्ज आपको DRL देखने को मिलेगी, फ्रंट बम्पर चेंज होगा और इस वजह से आपको मतलब कि वर्टिकल शेप के अंदर हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पे बात करें टायर साइज़ की और डायमेंशंस की तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन होगी वो बिल्कुल आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। बात की जाए और रियर प्रोफाइल की तो आपको टेल लैम्प्स के अंदर ट्विक्स देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट आपको सेपरेटेड टेल लैम्प्स देखने को मिलने वाले जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और नोटिसेबल चेंज होने वाला है। रियर बम्पर की बात करें तो सेम फ्रंट बम्पर जैसी ट्रीटमेंट के साथ में आने वाला है, और वही भी बात करें सिंग ड्यूअल मतलब कि पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा, ड्यूअल पेन भी बोल सकते हो आप, तो पैनोरामिक सनरूफ वॉइस असिस्टेंट के साथ में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे और इंटीरियर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या मेन हाइलाइटेबल चीज़ें होने वाली उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि दोनों ही अपडेट होकर आने वाली है और बहुत सारे फीचर्स को भी कंटेन करने वाली है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, Level 2 का एडास आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाला है। वहीं पे बात करें और चीज़ों की तो एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, और वहीं पे आपको फ्रंट की दोनों सीटेड जो होगी वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, दोनों सीटें वेंटिलेटेड प्लस हीटेड फंक्शन के साथ में आएगी। तो कुल मिला के बहुत सारे फीचर्स को आप बोल सकते हो कि नई वाली क्रेटा के इंटीरियर के अंदर आने वाला है, जो कि मेन हाइलाइटेबल जो थे वो हमने आपको बता दी। डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे जिसके ऊपर वीडियो बनेगी बहुत जल्दी, और आपको एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेल में सिर्फ फीचर्स के बारे में भी हम बताने वाले हैं, तो उसके लिए आप अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी है ये सारी चीज़ें थी इंटीरियर के फीचर्स के अंदर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होगा इंजन एंड गियरबॉक्स ऑप्शंस। तो वहाँ पे मैं आपको अभी से बता दूं कि कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, इनफैक्ट अभी जो आ रहा है कॉम्बिनेशन वही सेम रहेगा, लेकिन चेंज होने वाला है क्रेटा एनलाइन के अंदर। तो क्रेटा एनलाइन के अंदर एक इंजन ऑप्शन नया आने वाला है और उसी के साथ में 2 गियरबॉक्स ऑप्शन आने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में जानना है तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर क्रेटा एनलाइन की वीडियो देखनी पड़ेगी। वहीं पे बात करें अभी लॉन्च और प्राइस की, सबसे पहले प्राइस 10-18 लाख है एक शोरूम और 22 लाख ऑन रोड आप मान के चल सकते हो। और वहीं पे लॉन्च की बात करें तो लॉन्च समवेयर अराउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है मिड ऑफ द अक्टूबर से लेके ऑल द वे बोल सकते हो। अगर डेडिकेटेड डेट की बात करें तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड की जा रही है 15 अक्टूबर से लेके नवंबर तक, तो नवंबर के एंड मतलब एंड के पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी कोई डेट वगैरह निकल करके आती है तो आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बनेगा। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को रेफर करो। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।